सो हेलो इन व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ विशाल। और क्या हालचाल। सो मेरा स्केटबोर्ड तो बन ही रहा है। लास्ट मैं राइड पर गया था क्योंकि इतने दिनों से मैं बना बना कर सो बोर हो गया था। बोर तो नहीं बोल सकते, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन अभी इसका पावर बढ़ाने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के सजेशन आए थे कि इसका मोटर चेंज कर लो। कोई बोल रहा है दो मोटर लगा दो तो पावर बढ़ जाएगी, कोई बोल रहा है चार चार मोटर लगा दो तो पावर बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए ना मुझे यहाँ पर साधन की ज़रूरत है। जो मैं मोटर्स लूँगा तो यहाँ पर मोटर मुझे ज़्यादा महंगी पड़ रही है अपने गांव में, और ख़ास करके तो मिलती नहीं है आधी चीज़ें, तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो वैसे मैंने जो इसे बनाने की कोशिश करी थी वो बन तो चुका है। थोड़ा बहुत वर्क भी कर जाता है हल्का फुल्का, लेकिन उतना पावरफुली चल नहीं पाता है। इसको पावरफुली चलाने के लिए इसमें चेंजेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी और थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा। लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पर मिल नहीं रही है ऑफलाइन, और ऑनलाइन आने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे लेकर निकल जाता हूँ इंदौर, और उधर मुझे साधन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और अभी मेरा पैर भी थोड़ा ठीक हो रहा है, तो हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए तो उधर स्केटिंग भी करें। और हॉली वगैरह के लिए आया था मैं इधर, पैर ठीक होते तक यहीं पर रुकूंगा करके। तो पैर की कंडीशन भी आप देख लो, यहाँ पर अभी भी ये दर्द देता है मुझे। तो अभी मैं इनलाइन स्केट तो पहन नहीं पाऊँगा, और हल्का सा ये उठा हुआ अभी भी है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये गठान टाइप का है। तो ऐसा ना हो कि ये ठीक भी हो जाए और उसके बाद में भी मुझे दर्द दे और प्रॉब्लम दे। देखते हैं क्या होता है, पूरा ठीक होने के बाद ही पता चलेगा। ये तो इतने दिन जो रेस्ट किया है मैंने वो सब ऐसा ही चले जाएगा। तो यार मैं कल इंदौर निकलने के लिए प्लान बना रखा है, तो इसलिए मैं आज बैकपैक रेडी कर रहा हूँ। और इसको स्केटबोर्ड को ले जाने के लिए मुझे ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी, और वापस पहले था वैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मैं कैरी नहीं कर सकता हूँ, ये टूटने का डर रहेगा सफ़र के टाइम। तो अभी इसको मैं पूरा खोलने वाला हूँ। तो वैसे ये खुलने में तो आसान है, आसानी से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं इनलाइन स्केट का व्हील लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये थोड़ा अलग ही इसका डिज़ाइन बन जाता है। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि मेरा जो स्केटबोर्ड का व्हील है वो दिक्कत दे रहा था। इसके अंदर मैं गियर वाला ये जो बेल्ट है, ये जो पुली है, ये लगा नहीं पा रहा था। और ये वाला व्हील मैंने डैमेज कर दिया था, इस कारण ये थोड़ा चलने में भी दिक्कत आती है, इसको थोड़ा अटक अटक के चलता है। लेकिन कोई ना, राउंड में मेरे पास इसमें के बहुत सारे व्हील पड़े हुए हैं, चार पाँच पड़े हुए हैं, तो उनमें से रिप्लेस कर दूंगा मैं। कहाँ गया भाई। और इसकी जगह पर इसका ओरिजिनल वाला व्हील लगा देंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे ये वाला भी निकालना है। सो ये निकल चुकी है हमारी मोटर भी, ये हमारी डीसी मोटर निकल चुकी है, इसी को चेंज करना है। देखेंगे पावरफुल मोटर मिल जाए तो अच्छा है इंदौर में। बस इसको मुझे निकालना पड़ेगा, मैंने इसको चिपका ही दिया था फेविक से। तो भाई साहब मैंने इसको अच्छा खासा चिपका दिया था, इसलिए निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसको मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा तो टूट सकता है, और मुझे दोबारा बनाने का इसका मन नहीं है। तो मैं ऐसे ही कैरी करने की कोशिश कर लूँगा स्केटबोर्ड को, और इसका ओरिजिनल वाला व्हील लगा देता हूँ अभी के टाइम में, तो बाद में जाके चेंज कर लेंगे, देख लेंगे। हो गया है रेडी हमारा स्केटबोर्ड, अब इसको मैं आसानी से ब्रेक पर लगा सकता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। सुबह सुबह उठकर मुंह धोकर नहा भी लिया था। ये बैकपैक भी रेडी हो चुका है अपना, पूरा स्केटबोर्ड पैक हो चुका है, और इसको निकाल नहीं पाया था मैं, तो ऐसे ही ले जाना पड़ेगा इसको। तो निकलते हैं इंदौर के लिए। मैंने छोड़ने के लिए आ रही है अभी मुझे बस स्टैंड तक, और सुबह सुबह डायरेक्ट बस मिलती है मेरे इंदौर के लिए। मेरे इंदौर की बस अभी आई नहीं, बस आ चुकी है और बहनों मेरे को छोड़ने आई है। अभी जा रही की तो बिल्कुल तू जा सकती है, मैं भी जा रहा हूँ। नहीं रहने दे, ठीक है जा रहा है ना, ओके बाय। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं तेजारी नगर, और यहां पर मुझे एक भैया लेने आए हैं, उनके साथ में जाने वाला हूं। रखे भाई भैया चले। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं राव में, और यहां पर अभी स्केटिंग वगैरह करने वाला हूं नहीं मैं, क्योंकि मेरे पैर की हालत ठीक नहीं है। लेकिन हां, मेरे स्केटबोर्ड के प्रोजेक्ट को ज़रूर मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो बहुत मुश्किल से आया हूं, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत माता बच्ची हुई, तब जाकर हमारी गाड़ी निकली। एक घंटे तक वहीं पर वेट करना पड़ा, तो थोड़ा लेट भी हो गया। और हाँ, वैसे यहाँ पर ठंडा माहौल है गाइस, बहुत ही ठंडा माहौल है, उधर गांव के मुकाबले तो बहुत ही अच्छा है भाई। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस ट्रेवल कर करके, और आज तो सुबह जल्दी भी उठ गया था तो नींद बहुत आ रही है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, और मेरा स्केटबोर्ड का प्रोजेक्ट कल से स्टार्ट करूंगा मैं। यहां पर जाऊंगा जो भी है, मोटर वगैरह जो भी पावरफुल लेने जाऊंगा, देखते हैं जो भी होगा। अभी के लिए तो बाय।